हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी का कोर्स नंबर जो हमारा वन जीरो वन है एजुकेशन इन इंडियन परस्पेक्टिव उसका यूनिट नंबर थ्री डिस्कस करेंगे कि यूनिट नंबर वन एंड वो ऑलरेडी अपलोडेड है और ये यूनिट थ्री की वीडियो है सो so, चलिए अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमारा टॉपिक है कि सोशोलॉजी क्या होती है तो सोशोलॉजी एक टर्म थी जिसको अगस्टन कॉमेट ने बनाया था आ, मतलब उन्होंने रिलीज़ किया था इस टर्म को यहाँ उन्होंने इस आ, वर्ड को नेम दिया था एटीन थर्टी एट में ये आपको लिखने की नीड नहीं है बट फिर भी मैंने इसको मेंशन किया है और ये एक लेटेन वर्ड से ड्राइव्ड है सिकोलॉजी इसका मतलब लेटेन वर्ड है इसका सॉकोस uh, ओके okay? जिसका मतलब होता है सोसाइटी एंड ग्रीक वर्ड है एक हमारा लॉगोस uh, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ अ साइंस ऑफ अ सोसाइटी ओके सो मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी क्या हुआ साइंस ऑफ सोसाइटी या फिर स्टडी ऑफ साइंस ऑफ सोसाइटी तो सोशोलॉजी एक स्टडी है कि कैसे पीपल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ किसी ग्रुप में एक कम्युनिटी में एक सोसाइटी में ठीक है और अगर हम इसको अपनी रियल लाइफ से लिंकअप करके देखें तो इट इज लाइक कि कैसे हम ह्यूमन एक दूसरे के साथ रहते हैं एक दूसरे का बिहेवियर हमें इन्फ्लुएंस करता है कैसे हम एक दूसरे के बिलीव्स पे चलते हैं या फिर एक जो सोसाइटी है या आपकी फैमिली है या एक कम्युनिटी है वहाँ पे जो आपस में लोग रहते हैं वो कैसे वर्क करते हैं तो सोशियोलॉजी क्या हुई एक साइंस ऑफ सोसाइटी हुई एक साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप हुआ एक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ हुई सोशोलॉजी को आप स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी कह सकते हो किसी ग्रुप में सोशोलॉजी को आप स्टडी ऑफ सोशल एक्शन भी कह सकते हो सोशोलॉजी एक फॉर्म है सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करने की या फिर स्टडी करने के सोशल ग्रुप को सोशल सिस्टम को ठीक है तो अगर हम सोशोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो सोशोलॉजी क्या है जो डील करती है बिहेवियर ऑफ अ मैन इन अ ग्रुप ठीक है कैसे इट्स नॉट अ स्पेसिफिक ऑफ अ मैन मीन्स अ मेल ठीक है तो मैन मतलब कि जो हम लोग रह रहे हैं सोसाइटी में हम पीपल जो सोसाइटी में रह रहे हैं हम कैसे हमारा बिहेवियर है विद इन अ ग्रुप हम कैसे डील करते हैं इट्स अः सोशोलॉजी सोशोलॉजी इज अ साइंस ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ अ सोशल लाइफ इनको जॉन ने दिया ठीक है तो कैसे सोशल स्ट्रक्चर है सोशल लाइफ का और एक एच पी फेयर चाइल्ड ने ये डेफिनेशन दी है कि सोशोलॉजी एक स्टडी है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड इज ह्यूमन एनवायरनमेंट कि कैसे उसका ह्यूमन एनवायरमेंट के साथ एक नेचर है ठीक है या रिलेशन है अब बात आती है नेचर ऑफ सोशोलॉजी तो अगर मैं पहले सोशोलॉजी आपको सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँ सोशोलॉजी का सिंपल मतलब है कि कैसे आप एक सोसाइटी में रह रहे हो ठीक है साइंस ऑफ अ सोशल लाइफ और साइंस ऑफ सोसाइटी कैसे एक ह्यूमन एक सोसाइटी में एक कम्युनिटी में एक फैमिली में आपस में मिल रहते हैं जब हम इस चीज को पढ़ते हैं या इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं इट्स अ सोशोलॉजी ठीक है अब नेचर कैसी है सोशोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है सोशोलॉजी मतलब कि उसका एक अपना एरिया है स्टडी का किसी की चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ठीक है सोशोलॉजी है वो एक सोशल साइंस है कोई फिजिकल साइंस नहीं है ठीक है यहाँ पे आप ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हो सोसाइटी के किसी फिजिकल साइंस या किसी नेचुरल फिनोमिना के बारे में नहीं पढ़ रहे हम इट्स अ सिंपल टर्म अबाउट अ सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं सो इट्स अ सोशल साइंस ठीक है तो अब आपने देखा होगा सोशल साइंस से मीन अब जब आप सोशल साइंस पढ़ते थे बचपन में जिसको हम एस एस टी कहते हैं इट्स उसमें आप क्या पढ़ते हो आपकी जोग्राफी कैसी है आपकी सिविक्स कैसी है आपकी इकोनॉमी कैसी है आपकी हिस्ट्री कैसी है तो हमने क्या देखा अपना नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ हम रह रहे थे और कैसे हम पीपल रह रहे थे हमने किसी की हिस्ट्री जानी ठीक है वी आर नॉट डीलिंग अप विद द फिजिकल साइंस जिसको हम सिंपल साइंस के नाम से जानते हैं हमने नहीं देखा कि कौन सा मैटर कैसा है कौन सी रिएक्शन कैसे हुई ठीक है कौन सी बायो कैसे चली किस कौन सा फ़िजिक्स uh, में रूल लगा सो so ये चीज़ें नहीं पढ़ी हमने इट्स अ सोशल साइंस ओके अब सोशोलॉजी क्या है एक प्योर साइंस है इट्स नॉट अप्लाइड साइंस प्योर साइंस से मतलब है ऑनली इंटरेस्टेड इन दिन ऑफ अज इट्सेशन ऑफ दैट नॉलेज ठीक है हम सिर्फ जानना चाहते हैं क्योंकि हम इंटरेस्टेड है उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है उससे हमें कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनाना उससे हमें कुछ करना नहीं है उससे कोई इन्वेंशन नहीं होगी इट्स ओनली कि हम इंटरेस्टेड है किसी के बारे में जानने के लिए तो हम जान रहे हैं ठीक है अब सोशोलॉजी क्या है एक रियलिट रिलेटिव एंड एबस्ट्रेक्ट साइंस एंड नॉट अट साइंस मतलब कि जो स्टडी है सोसाइटी की वो थेरेटिकल है कोई फिजिकल वे नहीं है सोशोलॉजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ पार्टिकुलर फैमिलीज बट इन अ फैमिलीज एज दे एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी हम सोशोलॉजी में हमें किसी के फैमिली के बारे में जानना है हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है बट फैमिलीज कैसे रहती हैं हम ये जानना चाहते हैं हम इसमें इंटरेस्टेड है ठीक है लाइक आप लोग अपनी फैमिली में कैसे रह रहे हो स्पेसिफिकली मेरे को नहीं जानना बट एक सोसाइटी में एक कम्युनिटी में फैमिलीज कैसे रहती हैं मैं इसमें जानने में इंटरेस्टेड हूँ ठीक है इट्स अ सोशोलॉजी सोशोलॉजी इज अ जर्नलाइजिंग साइंस एंड नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग साइंस सोशोलॉजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर इवेंट रेदर देन स्टडीज इवेंट इन अर्नल वे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री स्टडी फ्रेंच रेवोल्यूशन बट सोशलॉजी विल बी इंटरेस्टेड इन द रेवल्यूशन इन जर्नल ठीक है तो हिस्ट्री में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी बट सोशलॉजी में हम पढ़ते हैं कि रेवोल्यूशन जर्नली कैसे होती है नॉट इन अ पर्टिकुलर इवेंट नॉट इन अ पर्टिकुलर जगह पे कैसे हुई हम ये जाना. हमें यह नहीं जानना हमें जानना है कि रेवोल्यूशन कैसे हुई सोशोलॉजी एक जर्नल साइंस है इट्स नॉट अ स्पेशल सोशल साइंस ठीक है लाइक इकोनॉमी और पोलिटिकल साइंस ऐसा कुछ नहीं है सोशोलॉजी डज नॉट फोकस ऑन ओनली वन असेप्ट ऑफ

एक इंसान इन सब चीज़ों को मिला के कैसे रह रहा है कि एक कम्युनिटी में एक सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ रहते हैं आपको उसका नेचर इन्वायरमेंट का ऐसा है वहाँ के लोग क्या काम करते हैं कितना कमाते हैं कैसे आपस आप में रहते हैं क्या उनकी हिस्ट्री है कैसे बातें करते हैं मुझे ये जानना है किसी स्पेसिफिकली चीज़ के बारे में नहीं जानना ये मेरा ने ही था पर्पज ठीक है सोशोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड इन साइंस ठीक है यहाँ पे हम स्टडी करते हैं सोशल फिनोमिना एक साइंटिफिक वे में इट इज अ बेस्ड अपॉन रीजन और लॉजिक ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ठीक है हम चीजों को अब देख रहे हैं हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे हमें उनका लॉजिक मिलता है हमने कुछ चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया उन चीज़ों के बेसिस से हमने कुछ फैक्ट्स निकाले ठीक है एक सोशल फिनमिना को निकाला एक लाइक कि हमने ऑब्जर्व किया कि आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं वहाँ ही खाते हैं टाइम टू टाइम मूव ऑन कर जाते हैं अपने लिविंग थिंग्स लाइवलीहुड के लिए ठीक है ना तो ये एक रीजन हमने चीजों को ऑब्जर्व किया लॉजिक निकाला दे मूव क्योंकि जब वहां पे लाइवलीहुड खत्म हुआ या वहां पे अगर सिक्स मंथ अगर वो कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो देन उनको अपने खाने पीने के लिए किसी और जगह पे शिफ्ट होना पड़ रहा है तो इट्स सोशोलॉजी अब सोशोलॉजी की कुछ ब्रांचेज हैं जिसमें एक आती है हमारी जनरल सोशोलॉजी जो फोकस करती है कंसेप्ट और और में, जिसमें हम पढ़ते हैं होल कि सोसाइटी क्या होती है फिर आती है हमारे पास सोशल सोकोलॉजी जहाँ पे हम सोकोलॉजी तो कैसे है कैसे इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस है सोशल इन्वायरमेंट से कैसे वो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी से कैसे उसका एटीट्यूड है वो कैसे ग्रुप में काम करते हैं डायनेमिकली उनकी सोशल परसेप्शन क्या है एक सैकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम जब किसी सोशल ग्रुप की इट्स अ सोशल सकोलॉजी नेक्स्ट इज अ कल्चर सिकोलॉजी कल्चर सेकोलॉजी होती है तो मतलब कि इट्स अ वे इन विच अ कल्चर शेप द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल बिहेवियर क्या बिलीव्स हैं क्या नॉर्म्स हैं क्या वैल्यूज हैं क्या प्रैक्टिसेस हैं सोसाइटी में इन स्पेसिफिक कल्चर लाइक अगर कोई हिंदू uh, कल्चर ऐसा है या सिख कल्चर ऐसा है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं उन्होंने कैसे उन सोसाइटी को शेप uh, किया और उन सब में लोगों का बिहेवियर कुछ ना कुछ अलग होता है कैसे वो अलग है पोलिटिकल साइकोलॉजी पोलिटिकल साइकोलॉजी होती है इन्वेस्टिगेट करना पॉलिटिक्स और एक सोसाइटी के बीच में कि कैसे किसको कौन सी पावर मिली है कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम का क्या फंक्शन है और कैसे वो सोशल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है ठीक है मेडिकल सिकोलॉजी करती है फोकस किसी सोशल लाइफ पे उसकी हेल्थ उसकी इलनेस उसके हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर कैसे सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है अपने हेल्थ केयर को एनवायरमेंटल सोजी इज एनवायरमेंटल का क्या रिलेशन है नेचुरल एनवायरनमेंट का एक सोसाइटी के साथ कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं एनवायरनमेंट की सोसाइटी अर्बन साइकोलॉजी इट्स लाइक स्टडीज ऑफ सिटीज एंड द अर्बन लाइफ कि कैसे वहाँ की सोसाइटी है वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं वहाँ की इन्वामेंट कैसी है इफ़ वी टॉक अबाउट द रूरल सेकोलॉजी तो हम इसमें जानते हैं कि रूरल एरिया में कम्युनिटीज कैसे रहती हैं कैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है उनका इकोनॉमी कैसी है उनका लिविंग हुड कैसा है वहाँ पे कैसी पॉपुलेशन है लाइक दिस थिंग एंड जेंडर एंड सेक्चुअलिटी स्टडी यहाँ पे हम पढ़ते हैं इट्स अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जहाँ पे हम किसी चीज़ को जेंडर के बेसिस पे पढ़ते हैं इट्स लाइक जेंडर का क्या रोल है जेंडर की इनक्वेलिटी कैसे हो रही है कौन सा काम किस जेंडर के लोग स्पेसिफिकली कर रहे हैं या अभी भी किसी सोसाइटी में क्या इस काम को करने से मना किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अ जेंडर लाइक दिस थिंग, एंड थिंगिटी इन द सोसाइटी ठीक? कैसे किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है कोई कि आप कैसे लोग उनके काम से उनको मतलब जज करते हैं इफ़ वी सी कि किसी को लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अगर हम उनको मतलब उनको अपने उनके अधिकार नहीं दे रहे उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि वो कोई बहुत छोटा लेवल का काम कर रहे हैं या फिर हम डेमोग्राफी बेसिस पे भी सोसाइटी को स्टडी करते हैं जहाँ पे हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन पे करते हैं बर्थ रेट कैसा है माइग्रेशन पैटर्न कैसे है पॉपुलेशन ट्रेंड कैसी हो रही है डेथ रेट कैसे हैं इसके ऊपर भी ठीक है अब हमारा मेन टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच ही है साइकोलॉजी में जहां पे हम डील करते हैं किसी की एजुकेशन ऑन द साइकोलॉजी ठीक है एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन ऑन साइकोलॉजी यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है सोसाइटी का और एजुकेशन का जैसे कि सोशल क्लास क्या है रेस क्या है जेंडर क्या है थेंसिटी क्या है पॉलिटिक्स क्या है इकोनॉमिक्स क्या है टेक्नोलॉजी क्या है अमांग अदर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन हम किसी एक सोसाइटी को जज करते हैं इट्स एजुकेशन ऑफ ठीक है एजुकेशन साइकोलॉजी और क्लासरूम एनवायरमेंट कैसी है व्हाट इज एजुकेशन साइकोलॉजी सबसे पहले तो आपको यह बात पता होना चाहिए इसका सिंपल मतलब है कि कैसे सोसाइटी और एजुकेशन आपके साथ आपस में लिंक है इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कैसे स्कूल टीचर और स्टूडेंट इन्फ्लुएंस है बाय द ब्रॉडर सोसाइटी एज दे आर द पार्ट ऑफ इट कि कैसे स्कूल टीचर और स्टूडेंट आपस में वर्कआउट कर रहे हैं और स्कूल स्टूडेंट uh, और टीचर भी तो एक पार्ट है सोसाइटी का तो उनके वर्किंग को जब हम जानते हैं वो कैसे काम करते हैं क्या उनका बिहेवियर है बेसिकली इनको जब हम स्टडी करते हैं इट्स अ एजुकेशनल सिकोलॉजी वाई इट मैटर क्यों अब ये इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल साइकलॉजी हेल्प करती है आपको जानने के लिए कि भाई स्कूल में क्या चल रहा है वाई द थिंग्स आर

अब हर कल्चर का डिफरेंट तरीका होगा हर एक की अलग बैकग्राउंड होगा हर एक फैमिली से अलग बच्चा आया है मे बी उसकी भाषा भी बात करने की अलग हो तो टीचर उसको कैसे समझे या इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को कैसे पढ़ाए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लासरूम डिवर्सिटी कि टीचर को सोशल साइकोलॉजी पता हो सोशल इनइलिटी ये हेल्प करती है टू सी कि हाउ सोशल इन लाइक डिफरेंस इन द वेल्थ और रेस आ रहा है कैन इफेक्ट स्टूडेंट एजुकेशन लाइक अगर कोई स्टूडेंट बहुत वेल well, uh, फैमिली से बिलोंग कर रहा है जिनके पास बहुत पैसा है तो उस बच्चे को घर पे कंप्यूटर चलाना आता है उसको प्रॉपरली फ़ोन चलाना आता है उसके पास बहुत अच्छी अच्छी वॉच है उसको टाइम देखना भी आता है इवन इफ़ इन फर्स्ट क्लास स्टूडेंट ठीक है क्योंकि उसको अपने घर से वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं बट हमने एक तरफ ये भी देखा कि जो एक स्टूडेंट एक नॉर्मल फैमिली से आ रहा था जिसके फैमिली के पास पैसा नहीं है इतना ठीक है वो बहुत लिमिटेड मिडिल क्लास फैमिली कह लो या एक बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली कह लो जो वहां से स्टूडेंट आ रहा था उसको फ़ोन चलाना नहीं आ रहा इवन कि उसको पता नहीं है कि कंप्यूटर कैसा होता है क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है और इवन उसको कभी कभी टाइम देखना भी नहीं आता क्योंकि अब उसके पास उसकी कोई पर्सनलाइज वॉच नहीं है अगर वॉच है तो घर पे है तो उसने शायद उतना सीखने की कोशिश नहीं की इट्स बिकॉज ऑफ़ अ सोशल इनिक्वेलिटी ऑफ देयर फैमिलीज़ कि उनकी फ़ैमिलीज़ में डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनमी ठीक है तो उनको वो चीज़ें नहीं आ रही हैं एजुकेशनल सिस्टम एजुकेशनल साइकोलॉजी दिखती है कि कैसे एजुकेशन स्ट्रक्चर किया जाए कि वो इम्पैक्ट करे स्टूडेंट को ठीक है एक्सप्लोर द थिंग्स लाइक स्कूल फंडिंग और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग किसी बच्चे को किसी कल्चर बैकग्राउंड या किसी कास्टिज्म या सेक्स या जेंडर के बेस के ऊपर उसको मतलब कि बच्चे को जज नहीं करना है कैसे प्रॉपरली स्कूल की फंक्शनैलिटी को करना है कि किसी सोशल चीज़ का इम्पैक्ट स्टूडेंट पे नहीं पड़े टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट का बैकग्राउंड उसका एक्सपीरियंस एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर को एक बेटर रिलेशनशिप बनाने के साथ बनाने की स्टूडेंट के साथ ठीक है द नेक्स्ट थिंग इज प्री ग्रुप्स इन सोशलाइजेशन स्टूडेंट लर्न करते हैं नॉट ओनली फ्रॉम दिस टीचर बट वो अपने साथ अपने फ्रेंड से भी कुछ सीख के जाते हैं उनकी सोशल इंट्रैक्शन होती है वो भी एक शेप करती है उनकी लर्निंग को तो वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर सीखते हैं डिफरेंट सोसाइटी से उनको उसके बारे में भी पता लगता है कल्चरल इन्फ्लुएंस होती है हर एक कल्चर की अपनी वैल्यूज़ हैं अपने बिलीफ हैं अबाउट द एजुकेशन तो जो एजुकेशनल सिकोलॉजी है वो हेल्प करती है कल्चर की इन्फ्लुएंस को विथ हैपन इन द क्लास पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे हम इस पर ध्यान देते हैं कि जो एजुकेशनल सिकोलॉजी है वो हेल्प करती है पॉलिसी मेकर को कि वो बेटर पॉलिसीज़ बना सकें एजुकेशन ठीक है जो सोशल इनकोलिटीज़ को दूर करे और इक्वल ऑपरचुनिटी हर एक स्टूडेंट को दे इंस्टेड ऑफ़ कि वो किस बैकग्राउंड से आया है या वो किस कल्चर से आया है और एक इंक्लूसिव क्लासरूम बने जहाँ पे मतलब हर स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट किया जाए हर बैकग्राउंड को इक्वली ट्रीट किया जाए यहाँ पे हर स्टूडेंट को इक्वली वैल्यू फील हो इक्वली क्लासरूम में उसको मजा आए ठीक है और सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक दूसरे के कल्चर के बारे में सीख कर जाए द नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड द प्री ग्रुप आपको इसके नाम से ही पता लगेगा कि कैसे एक सोसाइटी में हम एजुकेशन मतलब जब एक सोसाइटी एजुकेशन कैसे ले रही है विद अ प्री ग्रुप ठीक है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इट्स अ कि कैसे सोसाइटी है कैसे स्कूल में बच्चे सीख रहे हैं कैसे वो आपस में रह रहे हैं कैसे डिफरेंट ग्रुप्स वहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं प्री ग्रुप इज अ पीपल जो उनके सिमिलर एज के हैं वो स्टूडेंट्स जो उनके साथ क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके फ्रेंड्स या उनके क्लासरूम अब वो इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं उनकी लर्निंग को अब जो है प्री ग्रुप भी उनकी लर्निंग को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा ठीक है लाइक उनकी स्टडी हैबिट उनके एटीट्यूड इवन एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उनसे आएगी अगर आपका फ्रेंड बहुत पढ़ने वाला है तो आप उसको देख के कहीं ना कहीं ट्राई आउट करेंगे कि मैं भी पढ़ू बट अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको रोज खेलने के लिए ले जाता है या पढ़ने से मना करता है तो आपका भी कभी कभी, कभी मन नहीं करेगा सो इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ द प्री ग्रुप ऑल्सो सोशलाइजेशन ठीक है प्री सोशलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्री ग्रुप्स में ये शेप करता है उनके वैल्यू उनके बिलीफ उनके बिहेवियर को इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल आपके फ्रेंड कैसे हैं आप उनसे भी कुछ सीख के आते हैं एक आइडेंटिटी होती है फॉर्मेशन की प्री ग्रुप हेल्प करता है स्टूडेंट को अपनी एक ऑन आइडेंटिटी बनाने के लिए उनके अपने इंटरेस्ट लेने के लिए उनके स्टाइल लेने के लिए आपने बहुत बार देखा होगा अगर आप दस मतलब ग्रुप है एक फ्रेंड्स का तो क्या पता सबको एक ही गेम खेलना पसंद हो इट्स अ प्री ग्रुप क्योंकि आप उसके बिहेवियर को सीख रहे हो आप सब साथ रह रहे हो और आपका एक इंटरेस्ट बन रहा है किसी चीज़ के ऊपर ठीक है सोशल सपोर्ट मिलती है प्री ग्रुप आपस में एक दूसरे को समझ पाते हैं तो उनको इमोशनल सपोर्ट मिलती है वो एनकरेज करते हैं दूसरे को ठीक है और सक्सेस होती है इसमें भी स्कूल में प्री pre प्रेशर भी बनता है कई बार कि कभी कभी नेगेटिव इंकरेज भी होती है कोई जैसे कि मैंने कहा अगर कोई आपका फ्रेंड अच्छा नहीं है वो आपको कह रहा है चल क्लास बंक करते हैं या कुछ करते हैं तो उसका भी कही न कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता है हमारी एजुकेशन पे कन्फ्लिक्ट एंड द कॉरपोरेशन प्री जो इंट्रैक्शन होती है वहाँ पर कंफ्लिक्ट भी होते हैं और कॉरपोरेशन भी होती है कभी कभी आपस में किस चीज़ों में बच्चे लड़ पड़ते हैं और कभी कभी कॉपोरेट करके बहुत सारी चीज़ों को सीख भी जाते हैं डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन आप सीखते हो डिफरेंट प्री ग्रुप होती है डिफरेंट डाइवर्सिटी से बच्चे बिलोंग करते हैं वो आपस में बातें करते हैं उनके कल्चर उनके बैकग्राउंड उनकी बिहेवियर को भी सीखते हैं और टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप भी इससे स्ट्रॉग होती है प्री डाइनमिक से ठीक है टीचर्स सीखती है कि इस ग्रुप का बच्चा या इस एज के बच्चे आपस में कैसे इकट्ठे काम करते हैं या कैसा उनका बिहेवियर है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड दिफिकेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी जैसे कि आप सबको पता लग गया है कि क्या होती है कि कैसे सोसाइटी आपस में इंट्रैक्ट है इन द एजुकेशनल सिस्टम इन स्कूल्स में इन एंड द अपॉर्चुनिटी वन की जो हम फोकस करते हैं एजुकेशनल अपॉरचुनिटी सबको डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए इट्स एग्जामिन की वाई सम ग्रुप हैप बैटर असेस टू एजुकेशन इक्वालिटी वाई अदर आर द फेस बैरियर्स ठीक है तो सटिस्फेक्शन सार्टिफिकेशन इन एजुकेशन क्या होती है एजुकेशन एक्सप्लोर करती है कि कैसे सोसाइटी सार्टिफिकेशन जिसको हम हरे की कहती है वो इन्फ्लुंस करती है असेस ऑफ वट काइंडन दे वॉन्ट जैसे कि आपको अभी पहले एग्जांपल दी गई कि वेल्दी फैमिलीज के बच्चों को बहुत एक्स्ट्रा कई बार चीज़ों की नॉलेज होती है क्योंकि उनके घरों में वो चीजें रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं बट कुछ पोअर फैमिली से जो बच्चे आते हैं वो उन चीजों को नहीं सीख पाते क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं ठीक तो है तो सोशली ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं सोशल क्लास इम्पैक्ट होता है लाइक like कि सोशल क्लास कैसे इफेक्ट कर रही है एक एजुकेशन आउटकम को स्टूडेंट जो हाईली सोशल क्लासेस से आ रहे हैं उनके पास मोर सपोर्ट है उनके पास मोर एडवांटेज है एजुकेशन फैसिलिटीज में जबकि पुअर बैकग्राउंड के पास नहीं है रिप्रोडक्शन ऑफ इन एजुकेशनल सोशल इकोलॉजी एग्जामिन की कैसे इनइक्वेलिटीज आर रिप्रोड्यूस अक्रॉस द देशन थ्रू द जनरेशन सिस्टम क्योंकि जो हाईली एजुकेशन है वो देखते हैं कि हमारे हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों को भी आगे पढ़ाते हैं वो आगे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो पूरी सोसाइटी उनकी एक पढ़ी लिखी बनती है पर जो पुअर है वो हमेशा पुअर रह जाता है क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ पाता उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते फिर वो आगे किसी को भी नहीं पढ़ा पाता तो ये रिप्रोडक्शन ऑफ तो आगे आगे, आगे सोसाइटीज़ उनकी बढ़ती जाती है ठीक है कभी कभी कुछ मिथ्स होते हैं जैसे लेके एफर्ट इंडस्टेड इट आर्ग सोशल बैकग्राउंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एजुकेशनल अचीवमेंट ठीक है तो कभी कभी हम कहते हैं कि जैसे कि बच्चे का सोशल बैकग्राउंड उस पर डिपेंड करता है पर जरूरी ऐसा नहीं होता कई बार पूअर फैमिली का बच्चा भी बहुत कुछ कर जाता है जैसे कि आजकल हम न्यूज पढ़ते ही हैं कि कोई रिक्शा वाले का बच्चा आई ऑफिसर बन गया या कुछ ऐसा हो गया तो इट्स मिथ कि अगर रिक्शा वाले का बच्चा है तो वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता इंसान कर सकता है और कभी कुछ बैल बिलोंग फैमिली के स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाते ठीक है ट्रैकिंग एंड सेग्रीकेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी देखती है कि कैसे स्कूल आ... Short करते हैं student को different tracks में based upon their perceived abilities, उनको जो उनके घर से opportunities मिल रही हैं ताकि वो inequality को दूर कर सकें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे सकें सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं वो स्कूल में कल्चर कैपिटल इट्स डिस्कस कैसे कि कल्चर कैपिटल जैसे नॉलेज स्किल एटीट्यूड अक्रॉस वेरियस सोशल ग्रुप इफेक्ट करती है एजुकेशनल सक्सेस को जैसे कि फेमिलियर विद एकेडमिक कल्चर कैन गिव सम एडवांटेज टू एनी स्टूडेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो होती हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर्म करती है पॉलिसी जो एम करती है रिड्यूस करना एजुकेशनल की इनिक्वेलिटी ठीक है वो ऐसे प्रिंसिपल्स बनाती है जिसमें हर स्टूडेंट को रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और उस वो कहाँ से आ रहा है पुअर है या रिच है कि वो इक्वली पढ़ सके सारी चीजें उनको इक्वली रिसोर्स अवेलेबल हो वो ये नहीं कहते कंप्यूटर सीखने के लिए तुम्हारे घर पे है तो तुम सीखो वो सबको बराबर इक्वली लैब प्रोवाइड करते हैं और टीचर सबको एक जैसा ही पढ़ाती है सोशल चेंजेस बाय अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड दटिस्फिकेशन एजुकेशनोज सीख करती है टू द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ब्रॉडर सोशल चेंज इफेक्ट इन क्रिएटिंग मोर इक्वेटेबली सोसाइटी वे जहा पे हर एक एजुकेशन का असेस हो द नेक्स्ट इज अ सोशल सोशल ऑफ टीचर्स टीचर के क्या सिबिलिटीबिलिटी है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प करना स्टूडेंट को ग्रो करना एकेडमिकली इमोशनली और सोशली ठीक है एक उसको सेफ स्पेस प्रोवाइड करना क्लासरूम में ताकि वो पढ़ सके रिस्पेक्ट उसको इक्वली मिले और उसकी वैल्यू हो ठीक है टीचर का रोल है कि उसको इम्पोर्टेंट वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी काइंडनेस इम्पेथी सिखाना ठीक है टीचर का रोल है बच्चों को सेलिब्रेट कराना डिवर्सिटी ताकि वो हर बैकग्राउंड हर कल्चर को इक्वली रिस्पेक्ट कर सकें टीचर का रोल है कि बच्चों को क्रिटिकली थिंकिंग में इन्वॉल्व करना ठीक है टीचर का रोल है उनकी कॉर्पोरेशन उनका टीम वर्क एनहांस करना टीचर का रोल है उनको एज अ मेंटर वर्कर आना अगर टीचर खुद अच्छा है और सारी चीज़ों को इक्वली ट्रीट कर रहा है तो स्टूडेंट भी डेफिनेटली अच्छा होगा वो देखेगा कि हमारा टीचर अच्छा है तो हमें भी अच्छा रहना चाहिए टीचर का रोल है उनमें क्रिएटिविटी लेके आना ठीक है उनको आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स सोचने के एक्सप्रेस कराने की अपॉर्चुनिटीज देना कम्युनिटी एंगेजमेंट करवाना स्कूल्स में आपने कम्युनिटी लंच देखे होंगे इट्स बिकॉज कि आप कम्युनिटी को इंक्रीज करो उनकी कम्युनिटी सर्विसेज में इन्वॉल्व करो डिफरेंट सोसाइटी कल्चर्स को समझो टीचर का रोल है उन्हें एनवायरमेंटल अवेयरनेस देना टीचर का रोल है एज अ रोल मॉडल काम करना ठीक है और टीचर का रोल है उन्हें कंटिन्यूसली एक अच्छी इंप्रूवमेंट स्किल्स एजुकेशन प्रोवाइड करना तो जो भी टीचर्स के रोल हैं आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो सोशल सिव टीचिंग क्या है? सोशल टीचिंग होती है अबाउट मेक श्योर दैट कि जो एजुकेशन मीट है द नीड ऑफ स्टूडेंट हेल्प टू थ्राइव इन द सोसाइटी ठीक है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट इट मींस कि क्रिएट करना क्लासरूम जहां पे हर बच्चा फील करे वेलकम और वैल्यू नो मैटर कि वो किस बैकग्राउंड से आया है या किस कास्ट से आया है या कैसे किस जेंडर से आया है अंडरस्टैंडिंग डिवर्सिटी टीचर को रिकोगनाइज करनी है और सेलिब्रेट करनी है डिफरेंट कल्चर्स लैंग्वेजेस डिवर्सिटी अगर टीचर वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट कर रही है तो टीचर को गुरुपूर्व भी सेलिब्रेट करना है टीचर को क्रिसमस भी सेलिब्रेट करना है और ईद भी सेलिब्रेट करनी है इक्विटी टीचर uh, मतलब इट्स अबाउट गिविंग एवरी स्टूडेंट दैट वाट दे नीड टू सक्सीड ठीक है एक्स्ट्रा सपोर्ट देना ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द स्टूडेंट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड कि ये नहीं है कि अगर वो स्टूडेंट मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है तो आप उसको इग्नोर मार दोगे अगर उसको टॉपिक नहीं आ रहा और अगर वो किसी सिख कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है तो आप उसको एक्स्ट्रा टीचिंग करने लगोगे क्योंकि आप भी सिख कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो ऐसा नहीं करना है सोशल टीचर, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट की फीलिंग को समझना, उनको इतना बनाना कि वो अपनी फीलिंग्स को एक टीचर के पास एक्सप्रेस कर सके उनके साथ कनेक्शन में रहना उनको सपोर्ट देना रेलिवेंस करना लेसन शुड भी मीनिंगफुल हो रिलेटेबल हो स्टूडेंट लाइफ से कम्युनिटी से ठीक है और उनको इक्वली पढ़ाना किसी बैकग्राउंड या किसी कल्चर को हाँ मतलब हर्ट करते हुए नहीं पढ़ाना क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना स्टूडेंट में कैसे इंक्रेज करना स्टूडेंट को कि वो डीपली थिंक कर सकें अबाउट द सोशल इश्यूज एंड द क्वेश्चंस अराउंड द वर्ल्ड ताकि वो एक एक्टिव सिटीजन बने ठीक है कल्चरल रिस्पॉन्सिवनेस लेके आना डिफरेंट कल्चर्स को इंटीग्रेट करना उन्हें लर्निंग मटेरियल ऐसा पढ़ाना कि वो डिफरेंट कल्चर्स को भी सम, समझ समझ सकें कोलेबोरेशन लेना स्टूडेंट टीचर फैमिली से कोलेबोरेशन कराना ठीक है ताकि सपोर्टिव एनवायरनमेंट बने और आपस में एक दूसरे से सब मिलजुल के कुछ सीख सकें अडेप्टेबिलिटी टीचर एडजस्ट देयर टीचिंग मेथड टू मीट द चेंज नीड टू देयर स्टूडेंट ऑन द वर्ल्ड अराउंड देम अगर कुछ कहीं बदला है या स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो टीचर ऐसा हो कि उसको समझा सके सोशल जस्टिस सोशल रिस्पॉन्सिव टीचिंग एम्स टू एड्रेस इनइक्वलिटीज टू एडुकेट अफेयरनेस इन

से ठीक है यहाँ पे प्रमोट करते हैं सेपरेट वेस्ट, पेपर प्लास्टिक फूड कैसा है कैसे उनको रिसाइकल किया जाता है इट्स इन्वॉल्व द कम्युनिटी स्कूल्स एंड इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर टू क्लीन अप द नेबर्स ठीक है स्वच्छ भारत अभियान फोकस करता है सैनिटेशन फैसिलिटीज में

भारत अभियान सोचा था बट इन द बीजेपी गवर्नमेंट उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और ये टू अक्टूबर को हर बार सेलिब्रेट किया जाता है स्वच्छ भारत अभियान सारे लोग इस दिन इकट्ठे होकर अपने सराउंडिंग्स को साफ रखते हैं सिर्फ इसी दिन नहीं रखनी होती है बाकी दिन भी रखनी होती है बट एज अ डे ऑफ स्वच्छ भारत अभियान टू अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है द नेक्स्ट इज अ पी पी आई दिस इज अ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन ठीक है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन एक स्पेशल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जहाँ बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेक्टेड से किया जाता है जिसको पोलियो वायरस कहते हैं आपने बचपन में पोलियो ड्रॉप्स ली होंगी सो इट्स अ पोलियो ड्रॉप्स ही पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है ठीक है पोलियो वायरस एक जर्म था जिसने एक सीरियस uh, डिसीज ले दी थी जिसको हम पोलियो के नाम से जानते थे और ये पैरालाइज़ कर देता था स्पेशली इन द लेग्स बच्चों की ठीक है तो ये एक गवर्नमेंट ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड को फ्रॉम गेटिंग अ पोलियो ठीक है पोलियो कैन मेक इट हार्ड फॉर अर चिल्ड्रन टू मूव एंड वॉक तो वो मतलब इवन की पैरालाइज हो जाता है अपनी लेग से तो वेन डज दिस पीपीआई कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं गवर्नमेंट डिसाइड करती है जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो कम्युनिटीज में जाते हैं या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे अपने स्टॉल्स लगाते हैं जहाँ पे आ, बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं कुछ स्पेसिफिक एज की ठीक है ये कैसे वर्क करता है ड्यूरिंग द पीपीआई जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो चिल्ड्रन को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन देते हैं ठीक है ठीके? और वो हेल्प करती है उनकी बॉडीज को डिफेंस करती है अगेंस्ट द पोलियो वायरस हु कैन गेट द वैक्सीन तो यहाँ पे एक सर्टन एज को मिलता है यूजुअली इसकी एज होती है कि जो बच्चे पांच साल से छोटे हैं उनको ही पोलियो वैक्सीन मिलती है जो ये पी पी आई कहाँ पर होती है बहुत सारी प्लेसेस पे होती है कई बार स्कूल्स में सेंटर बनाए जाते हैं कई जगह पे आंगनवाड़ियों में बनाए जाते हैं कई जगह पे डोर टू डोर कम्युनिटी सर्विस दी जाती है और कई बार आपके किसी सोसाइटी के स्पेशल एरिया में बैठे बैठे होते हैं क्या ये सेफ़ है ये प्रॉपरली सेफ़ है टेस्टेड है और ये किसी भी तरह से किसी स्टूडेंट को किसी चिल्ड्रन को खाम नहीं करती है और ये सेफेस्ट वे है पोलियो से बचने की तो इज़ द पी पी आई इज़ द ओनली वन टाइम वैक्सीनेट नहीं ये वन टाइम नहीं है ये स्टूडेंट को चिल्ड्रन को सॉरी मल्टीपल टाइम्स दी जाती है अगर साल में दो बार लगती है तो दोनों बार बच्चे को तब तक मिलेगी जब तक वो पाँच साल का नहीं हो जाता और ये क्यों बार बार रिपीट की जाती है क्योंकि उसको बच्चे को पोलियो से प्रोटेक्ट करता है समटाइम आफ्टर वन डोज अ चाइल्ड बॉडी में नॉट बी फुली प्रोटेक्टेड सो उसको बार बार ये डोज दी जाती है ताकि बच्चा फुली प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम दिस पोलियो वायरस अब कुछ आर्टिकल्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल फिफ्टीन वन ये आर्टिकल इंडियन इंस्टीट्यूट का है जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोबिट करता है क्या है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ब्रेस कास्ट एंड द प्लेस ऑफ बर्थ सिंपल टर्म में कहा जाए तो गवर्नमेंट है वो कहती है कि सभी पीपल को इक्वली ट्रीट करना है ट्रीट पीपल डिफरेंटलीज आर्टिकल फिफ्टीन थ्री ये पार्ट है आर्टिकल फिफ्टीन का जहां पर यह अलो करता है गवर्नमेंट को टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर दूमन वूमे एंड द चिलन एंड सो फॉर दोशली एंड द एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज ऑफ दिटीजन इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल

ऊपर इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक लॉ बनाया गया कि वुमेंस को चिल्ड्रन को जो सोशल बैकग्राउंड हमारी क्लासेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उनको कैसे उन लोगों को भी इक्वली अधिकार मिले उनको अपलिफ्ट किया जाए ताकि वो भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकें इन रूल्स को बनाया गया नेक्स्ट इज़ आर्टिकल टू ये डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरेटरी इन द इंडिया ये

पार्लियामेंट कैसे बोल सकता है कुछ सर्टन केसेस में इट स्टेट दैट इफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन सब्जेक्ट इन इन द स्टेट लिस्ट इज द विद द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शेल प्रिवेल एंड द लॉ मेड बाय द लेजिस्ट्रेट ऑफ द शील शेल भी अवॉयड टू एक्सटेंड द इनकसिस्टेंसी ठीक है इन द सिंपल टर्म इट इस्टेब्लिश दैट इन केस वेयर दर इज अ कंफ्लिक्टिटवीन कल्चरल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट द सेंट्रल लॉ प्रल्स अगर कभी एक मान लो कि स्टेट जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में स्पेसिफिकली था कि यहाँ के अपने रूल्स एंड पॉलिसीज थे ये पार्लियामेंट पे जो या सेंटर बेसिस पे जो लॉज होते थे ये उनको सुनते ही नहीं थे तो इन चीज़ों को प्रोबेट करने के लिए हमारे पास 251 एक आर्टिकल था जहाँ पे ये कहते थे कि अगर कोई सेंट्रल लेवल पे अगर कोई लॉ पास होता है और वो स्टेट लेवल के लॉ से नहीं मिलता जुलता तो उस चीज़ के कंफ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाएगा जो सेंट्रल का लॉ है उसको प्रिवेल किया जाएगा ठीक है

प्राइमरी लेवल तक स्टूडेंट को उसकी मदर टंग में आपने थ्री आ, थ्री लैंग्वेज रूल पढ़ा होगा कटहारी कमीशन में कि कहते हैं ना मदर लैंग्वेज में भी पढ़ाना ही है बच्चे को तो उस तरह से मदर लैंग्वेज बच्चे में बच्चा पढ़ेगा ताकि उसको उसकी लैंग्वेज उसका कल्चर उससे छीना ना जाए ठीक है और वो इस चीज को भी साथ रखते हुए पढ़े एक लैंग्वेज तो इंग्लिश लाइक इज अ कॉमन लैंग्वेज बट अगर किसी बच्चे को तमिल आती है तो उसको वहां पे अपनी आपने देखा होगा उसको स्टेट में उसके तमिल जरूर पढ़ी जाती है इफ यू आर इन अ पंजाब वहां पे पंजाबी जरूर पढ़ी जाती है तो एक उसका कल्चर साथ उसके चले इट्स अ आर्टिकल फॉर दैट सो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर थ्री भी कंप्लीट होता है फॉर द कोर्स वन सो यूनिट नंबर वन एंड टू की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इफ यू लाइक द वीडियो लाइक क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल ताकि जो बाकी सारी विडियोज भी आए वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए सो बाय बायरी वन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ